जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, कुछ ऐसी ही इक्वेशन है भाई फालतू और अयान की। बताया था ना आपको कि फालतू छुपते छुपाते कावड़ों के साथ आश्रम में पहुंच गई। भाई सावन का महीना है, शिव जी के शरण में पहुंची। लेकिन लीजिए, सैलाब आ जाए, सावन आ जाए या कोई और, अयान भी आ ही जाता है फालतू के पीछे। के महीने में महादेव की कृपा फालतू पर अपरंपार है, इसलिए तो देखिए गुंडों से बचाकर उसे महादेव के आश्रम लाया गया है, जहां कावड़ यात्रा के यात्री रुके हैं। अब जब फालतू शिवजी की शरण में आई है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। देखिए कैसे आश्रम में कदम रखते ही महादेव अयान को भी इस आश्रम की ओर खींच कर लेके आए। तो अयान शांति की, पीस ऑफ माइंड की तलाश में निकला है बाबा से परमिशन लेके कि मुझे एक हफ्ते के लिए अकेले रहना है। मैं अकेले रह के खुद की आवाज़, अपने मन की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। तो लेट्स सी, अब यहाँ पे शांति की तलाश में आया है और वहीं आया जा फालतू है, तो देखते हैं दोनों टकराते हैं कि नहीं। अयान, आपको मन की शांति के साथ साथ यहाँ फालतू भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि फालतू का भी इलाज इसी आश्रम में जो हो रहा है। तो फालतू आ चुकी है एकदम शांत से आश्रम, और बहुत अच्छा फील हो रहा है उसे, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद उसे एक बहुत अच्छी पीसफुल जगह मिली है, जहां उसे लोग अपने लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। इसे ही तो कहते हैं दिल का कनेक्शन, दो प्यार करने वालों को मिला ही देता है, और जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसकी जिंदगी में कभी कोई चीज़ गलत हो ही नहीं सकती। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।